क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कि ये एक कंटेनर में दिया है और इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, यहां से ये रोड ए है और ये रोड बी है। इस कंटेनर के अंदर हमने क्या करा, यहां पर मरकरी डाल दिया। क्या डाल दिया बेटे? मरकरी। ये कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर हमने HG मरकरी डाल दिया इस तरह से। तो आपको बताना है इन दोनों कंडक्टर के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। ये तो पत स्ट्रिप्स हैं, मेटल की वायर है, ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट है, दिस इज बैटरी, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन। तो देखो अगर इन दोनों कंडक्टर में अगर हमने करंट पास किया है, ये दो कंडक्टर है और ये बैटरी के साथ जोड़ दिया, तो बैटरी करंट पास करेगी भाई, और ये क्या है इसके अंदर HG मरकरी, तो करंट फ्लो करता है और करंट के फ्लो की डायरेक्शन कैसी होती है, ये हायर पोटेंशियल टू लोअर। तो इन दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन सेम है या अपोजिट? अगर दोनों में करंट की डायरेक्शन सेम है तो दोनों क्या करेंगे दूसरे को अट्रैक्ट। नहीं है बात समझ? इसी तरह से मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछूं इसमें कि हमारे पास ये दो कंडक्टर्स हैं, इसको हमने क्या करा यहां पर मरकरी में प्लेस कर दिया, दिस इज HG। अगर हमने इसको मरकरी में यहां पे प्लेस कर दिया तो मेरा क्वेश्चन सिर्फ आपसे ये था कि आपको ये बताना है कि ये कंडक्टर ए है और ये बी है, तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन, क्योंकि हमें पता है कि करंट के फ्लो की डायरेक्शन कैसी होती है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर, तो करंट यहाँ से ऐसा जाएगा, मरकरी क्या है कंडक्टर है, तो करंट इसमें ऐसा जाएगा, फिर इस कंडक्टर में कैसे जाएगा ऐसा, तो दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी है अपोजिट, और जब करंट की डायरेक्शन अपोजिट होती है तो ये क्या शो करता है रिपल्शन। इसी तरह से एक मेरा क्वेश्चन ये था कि यही एक कंटेनर है, इसके अंदर हमने ये दो स्ट्रिप डाल दी ए और बी। क्वेश्चन ये था कि इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन ए और बी में, क्योंकि अगर हमने करंट पास किया तो करंट कैसे फ्लो करता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, फिर यहां से फ्लो करेगा ऐसा। तो इन दोनों कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन कैसी है, सेम है अपोजिट? सेम। और जब करंट दोनों में सेम डायरेक्शन होता है तो क्या करते हैं अट्रैक्शन। नहीं है समझ? इसी तरह से अगर मैं आपसे पूछता हूं कि ये एक सपोज टू बी ये एक कोइल है, लॉन्ग कोइल, दैट वी कैन से दिस इज सपोज टू बी ए सोलेनोइड। इसको मैं एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, तो आपको बताना है व्हाट हैपन टू सोलेनोइड। ये सोलेनोइड ऐसा खिंच के लंबा हो जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, इलोंगेशन होगा या कॉन्ट्रैक्शन होगा, इसमें इलोंगेशन होगा, ऐसा खिंच जाएगा या कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो देखिए जी, अगर इस कंडक्टर में हम करंट के फ्लो की बात कर रहे हैं, तो जब इसमें करंट फ्लो करेगा तो करंट के फ्लो की डायरेक्शन सबकी कैसी रहेगी, सेम। अगर सब में करंट के डायरेक्शन सेम है फ्लो की, तो जब करंट सेम होता है तो वो अट्रैक्ट करते हैं, रिपेल अट्रैक्ट। अरे सब में करंट के डायरेक्शन सेम ही तो जाएगी, और जब सब में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो ये क्या शो करेंगे, अट्रैक्शन। अट्रैक्शन से हुआ क्या कि जो ये सोलेनोइड है, ये जब ऐसा कॉन्टैक्ट हो जाएगा तो जो ये निडल इस मरकरी के अंदर डिप है, दिस इज मरकरी, तो ये निडल इससे क्या होगी, बाहर हो जाएगी। जैसे ही निडल इससे बाहर होगी तो इस सोलेनोइड के अंदर करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा, तो जैसे ही करंट फ्लो होना बंद हो जाएगा तो ग्रेविटी क्या करेगी, अपने वेट, यस ग्रेविटी अपने पुल से इसे नीचे खींचेगी। जैसे नीचे खींचेगी तो ये वाला जो कंडक्टर था सोलेनोइड, ये फिर से किस में डिप हो जाएगा, मरकरी में। जैसे ही मरकरी में फ्लो डिप हो जाएगा, वैसे फिर से इसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। जब करंट सेम डायरेक्शन फ्लो होगा, फिर से वो क्या करेगा, इसे कॉन्ट्रैक्ट करेगा, फिर से ये स्प्रिंग कैसी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ग्रेविटी फिर से नीचे पुल करेगी, फिर इलोंगेट हो गया, फिर खींच करंट पास होगा, फिर कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो हर बार हम देखते हैं कभी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स, तो हो क्या रहा है इसमें, तो आंसर है इसमें ऑसिलेशन हो रहा है। तो ये क्या शो करेगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन, ये सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन शो करेगा। तो इट शोज HHN,
सिंपली क्या बोलेंगे, ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे इसमें। ये बात समझ में आती है? एक क्वेश्चन हो रहा है मेरा आपसे, क्वेश्चन ये था कि ये दो कंडक्टर्स हैं हमारे पास, दिस वन, देयर आर थ्री कंडक्टर्स। अगर मेरा क्वेश्चन सिर्फ इतना सा था कि अगर ये तीन कंडक्टर्स हैं, ये कंडक्टर ए है, ये बी है और ये सी है, इन तीनों में करंट कैसे जा रहा है, सेम डायरेक्शन में, मतलब एक इक्वल करंट पास हो रहा है, आई आई और आई, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है आर, इनके बीच का डिस्टेंस भी कितना है आर। तो मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको फोर्स बतानी है बी पे कितनी लगेगी। तो हमें बताया कि जब दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, जब भी दो कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करता है, तो ये कंडक्टर क्या करते हैं, दूसरे को अट्रैक्ट या रिपेल, अट्रैक्ट करती हैं। तो जब दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये वाले कंडक्टर इस वाले कंडक्टर पर एक फोर्स लगाएगी, कहाँ से, अट्रैक्शन के लिए। तो फोर्स किसने लगाई, ए ने लगाई ना, किस पे, बी पे, लेकिन अट्रैक्शन के लिए कहाँ लगाई, इस इधर। तो फोर्स लगी किस पे, बी पे, लगाने वाला कौन है, ए। ऐसे ये वाला इस कंडक्टर और इस कंडक्टर दोनों में करंट कैसे जा रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में, और अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, तो ये कंडक्टर इसे अट्रैक्ट करने के लिए फोर्स लगाएगा, रिपेल, रिपेल, तो ये फोर्स इधर लगेगी। तो फोर्स किस पे लगी है, बी पे, लगाने वाला कौन है, सी, लेकिन इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम, क्योंकि दोनों में करंट भी सेम पास हो रहा है, अरे, और दोनों का इस कंडक्टर से डिस्टेंस भी सेम है, तो दोनों फोर्स बराबर लगाएंगे, लेकिन दोनों फोर्स की डायरेक्शन कैसी है, सेम। तो इस पे लगने वाली जो नेट फोर्स होगी, दोनों फोर्स इधर है ना, तो ये फोर्स कितनी हो गई, मान लो एफ बी ए इज इक्वल टू एफ ए बी, ये कितनी फोर्स है, एफ, तो सी पे लगने वाली टोटल फोर्स कितनी हो गई, टू एफ। अगर मैं आपसे कहूँ कि ए पे बताइए कितनी फोर्स होगी, तो ए पे बता सकते हैं कितनी फोर्स होगी। तो देखो यार, ये वाली कंडक्टर दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है ना, अरे ये किस पे निकाला था हमने, बी पे। अगर मैं आपसे पूछूं ए पे बताओ कितनी फोर्स होगी, तो ये वाले कंडक्टर पर ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये कंडक्टर और ये कंडक्टर दोनों में करंट सेम है, तो ये से अट्रैक्ट करेगा, रिपेल, अट्रैक्ट, तो इस पर अट्रैक्शन के लिए फोर्स लगाएगा इस डायरेक्शन में। अब ये बताए इसमें और इसमें दोनों में करंट सेम डायरेक्शन में जा रहा है, अपोजिट, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट है, रिपेल, रिपेल, तो रिपेल्शन के लिए इधर फोर्स लगाएगा। तो अब ये बताए इसने इसके ऊपर अट्रैक्शन के लिए एक फोर्स लगाया, ये फोर्स किस पर लगी, ए पे, लगाने वाला कौन है, बी, ये फोर्स किस पे लगी, ए पे, लगाने वाला कौन है, सी। क्या दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड बराबर है, आंसर है नो। ए की जो बी ए के ऊपर फोर्स लगा रहा है, एफ, जो ए पे फोर्स लगी बी पे, वो फोर्स कैसी है, ज्यादा है, और जो फोर्स लगा रहा है कौन, ए पे, सी, ये फोर्स है कम। क्यों, क्योंकि फोर्स होता है एफ इजिकल टू पर यूनिट लेंथ 2 × 10⁻¹⁷ आई वन आई टू अपॉन में आर। आई वन आई टू तो सब में बराबर है, लेकिन आर इसका कैसा है, कम, आर इसका कैसा है, डबल। तो जब इसका डबल डबल हो गया, तो फोर्स 1/4 हो जाएगी, फोर्स कैसे हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो इसका मतलब ये वाली फोर्स ज्यादा है और ये वाली फोर्स कम है, तो ये फोर्स इधर लग रही है, ये फोर्स इधर, तो इसमें नेट फोर्स कितनी आ गई, एफ सी इज इक्वल टू एफ बाय टू। अब इसने फोर्स कितनी लगाई, एफ, इसने कितनी लगाई, एफ बाय टू, ये फोर्स इधर लगाया ना, एफ बाय टू, इसने इधर कितनी फोर्स लगाई, एफ, तो नेट फोर्स कितनी हो गई, एफ बाय टू, तो इस पर नेट फोर्स बनेगी एफ बाय टू। ये बात समझ में आती है? तो इस तरह से आप किसी के ऊपर भी कोई फोर्स लगा सकते हैं, लेकिन कब लगाओगे, जब आपको इसके इफेक्ट पता हो। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू वेरी मच।